तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, कस्टम पे आएंगे, जैसे कि हमने पी लिखा, तो पी क्या करेगा, पॉजिटिव को रिप्रेजेंट करेगा। जैसे मैं बताया था कि अगर हैश और जीरो ना दो तो सिर्फ उसी की आपका जो टेक्स्ट निकलो वही दिखेगा, आपकी वैल्यू नहीं दिखेगी। लास्ट क्लास में बताया था ना सर आपको, तो मैं यहाँ पे सिर्फ पी लिख दिया तो और पॉजिटिव को पी में कन्वर्ट कर देगा। फिर सेमी कॉलन या सेपरेटर होता है, दूसरा बात आता है निगेटिव का, तो निगेटिव नहीं चाहिए तो हम उसको कीप ब्लैंक रखते हैं। फिर आता है जीरो, तो जीरो का जगह पे हमने ए कर दिया। और फिर आता है टेक्स्ट, टेक्स्ट के जगह पे कर दिया एबीएस। ठीक है, हाँ जी। जैसे मैं ओके करूंगा यहां पे आ जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली ये जो ब्लैंक पार्ट था ना, ये क्या था, हम लोग ये हम आपको क्यों बताए थे, गलती कहाँ हुई थी मेरी मुझसे, क्या हुआ कि ये डेटा हम लोग पिवट से उठा के लाते थे, बायोमेट्रिक डेटा से। ठीक है ना, जब हम पिवट से उठाते थे तो पिवट में ऑप्शन होता था कि हम ब्लैंक की जगह पे कुछ लिख दे, तो हम वहीं पे लिख देते थे एबीएस, तो ब्लैंक को एबीएस कर देता हाँ जी। था। ठीक है ना, लेकिन फॉर्मेटिंग अप्लाई नहीं होगा ब्लैंक पे। हाँ, फॉर्मूला वगैरह से हो जाएगा बट फॉर्मेटिंग नहीं होगा। ओके। ठीक है, हाँ जी, एनए से तो पॉसिबल है सर। और ये सीट आपने बनाया, नहीं सर, अभी नहीं। ट्राई कर लीजिएगा। ठीक है, हाँ जी और आज हम जी आपको कंडीशनल फॉर्मेटिंग के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, तो आज की हमारी क्लास कंडीशनल फॉर्मेटिंग के ऊपर है। आज हम आपको बताएंगे कि कंडीशनल फॉर्मेटिंग का इस्तेमाल क्या होता है। अभी तक जो आपने इस्तेमाल किए हैं नॉर्मल फॉर्मेटिंग, तो नॉर्मल फॉर्मेटिंग अपनी फॉर्मेटिंग मतलब कि हर तरह की फॉर्मेटिंग करना है, फॉन्ट बॉर्डर हर तरह की चीजों की फॉर्मेटिंग करना है। लेकिन क्या होता है कि अगर हम नॉर्मल फॉर्मेटिंग करते, से क्लिक किया और फॉर्मेटिंग कर दिए, तो इस सेल के अंदर में क्या टाइप है इससे कोई लेना देना नहीं है, समझ गए, वो फॉर्मेटिंग कर दिया। लेकिन मुझे एक कंडीशन पे करना है, जैसे कि मान लीजिए कि हमारा ये है हमारा बोनस है, मैं बोलता हूं जो 2000 से ऊपर वाले नंबर है उसको हाईलाइट कर। समझ आया, तो किसी पर्टिकुलर कंडीशंस पे हाईलाइट करने के लिए हमारे पास होता है कंडीशनल फॉर्मेटिंग। तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग को अप्लाई करने के लिए आप सिलेक्ट कीजिए, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाइए, हाईलाइट सेल्स रूल्स। अब यहां पे देखिए आप ग्रेटर देन, कई सारे कंडीशंस हैं, ग्रेटर देन, लेस देन, बिटवीन, इक्वल टू वगैरह वगैरह, तो मुझे इसमें ग्रेटर देन चाहिए। हमने ग्रेटर देन को चूज किया और यहां पे मैंने नंबर दे दिया कि 5000 या 2000। जैसे जैसे कलर कर रहा हूं वैसे वैसे देखिए हाईलाइट हो रहा है, लेकिन हाईलाइट एक डिफॉल्ट कलर से हो रहा है। अगर फॉर्मेटिंग आप अपने हिसाब से चाहिए तो यहाँ पे कई सारे डिफॉल्ट का है कि आप येलो फिल ले सकते हैं, आप ग्रीन फिल ले सकते हैं, या फिर आप खुद की फॉर्मेटिंग करना चाहते हैं तो यहाँ बॉर्डर पे चले जाइए। सर, ये ओवर टाइम लिखा हुआ जो हेडर है उसको भी कर रहा है, उसको भी ये हाँ, ग्रेटर देन टेक्स्ट टू को भी कर थाउजेंड रहा है, मार्क। टेक्स्ट को भी कर देगा, वो हाँ टेक्स्ट को जी हाँ कर जी देगा, हाँ जी इसलिए हेडिंग भी सिलेक्ट करते हैं। हाँ जी तो यहां से फॉर्मेटिंग यूज कर सकते हैं, समझ गए। अब जैसे कि आप बोले सर इसका और बेनिफिट क्या है, मान लीजिए कि कल के डेट में मैं से डिलीट करता हूँ, बहुत सारे सीट्स हो गए। मान लीजिए कि कल के रेट में हमारे पास कोई डेटा है, मैं चाहता हूं कि जैसे जैसे मैं से मैं टाइप करूं, जैसे मान लीजिए मैं लिख दिया नेम, सर, एक चीज पूछनी, ये जो आपका लोगो दिख रहा है आईपीटी एक्सेल का, ये एक्सेल के अंदर है या सिर्फ ये हमें दिख रहा है स्क्रीन पर? बेसिकली ये बैकग्राउंड है इसका, एक्सेल का। हम यहाँ एक्सेल पे पेज का? लेआउट में एक्सेल का बैकग्राउंड सेट कर सकते हैं। ओके, मुझे लग रहा था कि कहीं ऐसी हमें स्क्रीन पे दिख रहा है। नहीं, हमने एक इमेज बना रखी है,
ओके हाँ इसी इमेज को मैंने बैकग्राउंड में डाल दिया। जी क्या जैसे था सब प्रमोशन करना पड़ता है ना दाल रोटी का सवाल है सर। अब जैसे कि ठीक है डेटा दे दिया आपने, इस डेटा को यहां से अगर फॉर्मेट कर देते हैं, मान लो बॉर्डर लगाना आपको, आपने बॉर्डर लगा दिया तो आपकी फॉर्मेटिंग यहीं तक होगी, फिर नीचे लिखोगे तो फिर वापस आपको फॉर्मेट करना पड़ेगा क्या? बिल्कुल तो मैंने मैंने क्या किया, इसको सिलेक्ट किया कंडीशनल फॉर्मेटिंग में ग्रेटर देन है, हमने ग्रेटर देन जीरो कर दिया और फिर इसकी कस्टम फॉर्मेट में गए और हमने इस कलर जो है इसको ऑटोमेटिक कर देता हूं फिल नो फिल, हमें सिर्फ बॉर्डर चाहिए ना, हमारा बॉर्डर में आया हमने पूरा बॉर्डर ले लिया ठीक है एंड ओके एंड ओके। अब देखिए जैसे से यहां नाम लिखूंगा, जैसे मिल गया ओम, ठीक है हाँ जी अच्छी चीज सर, हाँ सर यहाँ लाइन हटा दीजिए तो और अच्छा लगेगा। तो इसका इस्तेमाल कहाँ होता है, जैसे कि आपने एक ऐसा सीट बनाया हुआ जहां पे आप डेट वाइज रिपोर्ट निकालते हो या डेट वाइज कोई इंफॉर्मेशन निकालते हो, अब किसी डेट में इंफॉर्मेशन 5 होती है, किसी डेट में 15 होती है, किसी डेट 50 होती है, और उसको प्रिंट आउट निकालना या फिर उसको सेव करना या इस तरह कुछ करना होता है, तो बार बार फॉर्मेटिंग को आपको रीसेट करना होता है। जैसे मान लीजिए किसी दिन कम गया, मान लीजिए कम गया है, तो ये अगर कंडीशन नहीं होती तो फालतू का इतना लगा रहता फॉर्मेट, तो ये ऑटोमेट हो गया आपका। इस तरह की फॉर्मेटिंग के लिए हम इस्तेमाल करते हैं इसमें, ठीक है। तो आइए आगे के टॉपिक को इसमें समझते हैं। तो हाईलाइट सेल्स रूल्स में ग्रेटर देन एक पर्टिकुलर नंबर से ज्यादा, लेस देन एक पर्टिकुलर नंबर से छोटा, और बिटवीन दो नंबरों के बीच में, तो इन तीनों में आप जो है नंबर डेट और टाइम डाल सकते हैं। जैसे कोई पर्टिकुलर डेट से बड़ा छोटा करना चाहते हो तो आप यहीं पे ग्रेटर देन लेस देन इस तरह का फीचर्स दे सकते हो, इसमें डेट दे सकते हो, आपको हाईलाइट करेगा। आप इसमें टेक्स्ट नहीं डाल सकते हो ठीक है, और एक कॉलन पे नहीं एक एरिया पे परफॉर्म करता है। और जैसे कि हम डाल ही नहीं सकते यहाँ पे, हम किसी से सेल को लिंक भी कर सकते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पे कुछ नंबर्स दिए कुछ नंबर्स को हमने यहाँ रख दिया। अब मैं यहाँ पे फाइंड दे दिया, मैं चाहता हूं कि अगर मैं यहाँ पे 50 लिखू इसके अंदर जितने भी 50 है वो हाईलाइट हो जाए, तो जहां जिस पे आपको कंडीशन अप्लाई करनी है उस एरिया को आप सेलेक्ट कीजिए, और यहां पे मैंने बोल दिया इक्वल टू, इक्वल टू मतलब एग्जैक्ट सेल वैल्यू, चाहे वो नंबर हो, चाहे डेट हो, या टाइम हो, या टेक्स्ट हो। अब मैं यहां पे मैनुअल 50 लिखूंगा तो फिक्स हो जाएगा, बट मैं इससे लिंक करना चाहता हूं तो इसमें हम किसी सेल का रेफरेंस भी दे सकते हैं या कोई फॉर्मूला भी दे सकते हैं ठीक है। और मैंने ओके कर दिया, अब जहां जहां 50 है वहां आ गया, मैंने यहां पे 58 किया तो 58 हाईलाइट हो जाएगा, यहां पे 40 किया तो 40 हो जाएगा, यहां पे 10 किया तो 10 हाईलाइट हो जाएगा ठीक है। तो इस तरह से करते हैं। तो आपने तीन चीज को समझा, ग्रेटर देन, लेस देन, बिटवीन एंड इक्वल टू, क्लियर है? बिल्कुल जी। अब बात ये टेक्स्ट दैट कंटेन, अब कभी कभी क्या होता है कि किसी चीज का नाम जो है कहीं फुल नेम लिखा होता है, कहीं पे शॉर्ट नेम लिखा होता है, जैसे कि दिल्ली, तो ये मेरे डेटा में कहीं पे न्यू दिल्ली है और कहीं पे दिल्ली है, तो प्रॉब्लम क्या होता है कि अगर मैं यहां इक्वल टू में जाता हूं
और इक्वल टू में जाने के बाद अगर मैंने यहां पे दिल्ली लिख दिया तो न्यू दिल्ली को हाईलाइट नहीं कर रहा है, ठीक है। और जाहिर सी बात है अगर मैं न्यू दिल्ली करूंगा तो दिल्ली को हाईलाइट नहीं करेगा। तो जैसे हम कंट्रोल एफ करते हैं फाइंड, फाइंड यूज करते हैं ना आप सर, जैसे हम फाइंड को यूज करते हैं तो फाइंड यूज में क्या होता है कि हमारा मिलता जुलता नाम आ जाता है। तो क्या उस तरह से यहां हो सकता है? जी जरूर हो सकता है, बट यहां हम इक्वल टू में नहीं, हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग के यहां टेक्स्ट दैट कंटेन में जाते हैं। और यहां पे मैं डालता हूं दिल्ली, तो दिल्ली और न्यू दिल्ली दोनों हाईलाइट हो गए। ठीक है सर, बिल्कुल जी, हाँ जी सर, कोई डाउट तो नहीं है? नहीं नहीं जी। अब जैसे कि हम डेट की बात कर रहे थे, तो आप अगर लेस देन, ग्रेटर देन, बिटवीन और इक्वल टू में जो डेट डालते हो, वो डेट क्या होता है? वो डेट आपका फिक्स होता है। मैं चाहता हूं कि जो डेट डले वो डेट मेरे मेरे हिसाब से डले, मैं सिस्टम डेट से डले, और वो चेंज होता रहा है सिस्टम डेट के साथ साथ। तो उसके लिए ए डेट ऑकरिंग, जैसे कि यहाँ पे डेट्स है कि टुडे, स्टरडे, तो ये कल की डेट हाईलाइट हो गई। और कल जब इस फाइल को हम खोलेंगे तो वो कल कल की डेट हाईलाइट करता रहेगा जैसे जैसे दिन बढ़ता जाएगा। राइट, सही समझे आप, ठीक है सर। तो ऐसे स्टडे, टुडे, लास्ट 7 डेज, नेक्स्ट डेज, ये सारा आपका दिख रहा है। ये समझ में आ गया आपको ए डेट ऑफरिंग? हाँ जी। अब बात करते हैं डुप्लीकेट वैल्यू। यहां पे जैसे किसी सिलेक्टेड रेंज में कोई वैल्यू मोर देन वन टाइम है तो डुप्लीकेट वैल्यू से उसको हाईलाइट कर सकते हैं। या फिर मान लीजिए ना कि आप किसी सीट में आप लिखने जा रहे हैं, मान लो मैं मोबाइल नंबर लिखने जा रहा हूं और मैं नहीं चाहता है कि इसमें कोई एंट्री मोर देन वन टाइम आए, तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाएंगे और यहां पे डुप्लीकेट वैल्यू और डुप्लीकेट पे हम लगा देंगे इसको। अब मैं यहां पे जैसे ही डबल यहां पे लिखूंगा 7 8 और कहीं भी मैंने इसी नंबर को रिपीट किया तो ये हाईलाइट हो जाएगा, दोनों हो जाएंगे। अगर तीन बार है तो तीनों हो जाएंगे, ठीक है सर। तो कंडीशनल मैटिंग में ग्रेटर देन, लेस देन, बिटवीन, इक्वल टू, टेक्स्ट दैट कंटेन, ये सारी चीज समझ में आ गई? हाँ जी। डाउट तो नहीं है? नहीं जी। अब बात करते हैं टॉप बॉटम। अब हमारे पास कुछ ऐसा डेटा है, उस डेटा में मैं टॉप 5 को हाईलाइट करना चाहता हूं, तो यहां टॉप 10 पे जाइए और यहां पे टॉप 10 के जगह पे 5 कर दीजिए, आपका टॉप 5 हाईलाइट हो जाएगा। टॉप 5 मतलब क्या? उसके वैल्यू के अकॉर्डिंग, पोजीशन के अकॉर्डिंग नहीं, वैल्यू के अकॉर्डिंग, सबसे बड़ी वैल्यू, फिर छोटी, फिर छोटी, फिर छोटी, इस तरह से। और उसी तरह से आप नीचे देखेंगे टॉप 10%, टॉप 10 एंड बॉटम 10। इसमें एक परसेंटेज का भी है, टॉप 10% एंड बॉटम 10%, ये परसेंटाइल फॉर्मूले से चलता है, हम आगे डिस्कस करेंगे इसको।
अब बात करते हैं अबव एवरेज एंड बिलो एवरेज। अभी क्या होता है कि आपके पास अगर मान लीजिए कि एक सेल्स का आपको डेटा दिया, बोला इसमें से अच्छा सेल्स किस किस ने किया है एक बार लिस्ट दे दो, तो थोड़ी सी दिक्कत होगी आपको। क्यों? क्योंकि आपको कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि कौन सा सेल अच्छा है, कौन सा सेल खराब। क्यों? क्योंकि कोई बेंचमार्क तो नहीं है ना। अगर बेंचमार्क डिफाइन होता तो आप तुरंत डिसाइड कर लेते, बस कोई बेंचमार्क डिफाइन नहीं है। तो उस केस में कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाएंगे और हम यहां अबव एवरेज, जो एवरेज है उससे अबव को हम हाईलाइट कर देंगे, ठीक है। तो ये ऑटोमेटिकली एवरेज को कैलकुलेट करेगा। कैलकुलेट में डेटा चेंज होता है, आपका एवरेज चेंज होगा, तो ये अपना एवरेज खुद चेंज कर लेगा। अब आती है बिलो एवरेज की, तो आपका एवरेज जो छोटा होगा उसको हाईलाइट कर देगा। अब कभी कभी क्या होता है कि डेटा की कंपेयरिंग थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है, ठीक है। तो डेटा की जो कंपेयरिंग है वो कंपेयरिंग कैसे करेंगे? तो कंपेयरिंग के लिए आपके पास यहां पे, क्योंकि मान लीजिए कि मुझे पता करना है कि जो 1380 4860 है, क्या ये सबसे हाईएस्ट है या मिडल है या लोएस्ट है, क्या है। और डेटा काफी बड़ा है तो चार तो लगा नहीं सकते इजीली कंपेयर करने के लिए, तो आप डेटा बार लगा लीजिए। जिसका बार सबसे ज्यादा बड़ा होगा वो वैल्यू बड़ी होगी। जैसे देखिए 7890 सबसे बड़ी वैल्यू है, तो पूरा लाइन दिख रहा है, समझे सर। हाँ जी इसको सर, एक चीज पूछना, पूछिए। अगर मैं कॉलम की विड्थ बढ़ाऊंगा तो वो बार थोड़ा क्लियरली दिखेगा या वो नंबर को भी कवर अप करेगा, जैसे एक सेल पे मैं देख रहा था पूरा नंबर। नहीं 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 जैसे बड़ा कर लिया ना आपका, बड़ा कर दिया आपने, अब हाँ जी अलग लगा देता हूँ ताकि क्लियर दिखेगा। ओके ठीक है ना। वो लास्ट में देखिए, शुरुआत जो होती है वो होती है डार्क कलर से, फिर धीरे धीरे लाइट कलर हो जाता है ताकि नंबर को दिक्कत ना दे, हाँ जी ठीक है। तो डेटा बार कंपेयरिंग के लिए होता है, समझ लीजिए ना, एक पूरा डेटा पे चार्ट नहीं लगाया जा सकता ना, तो हम इसका इस्तेमाल करके कंपेयर कर लेते हैं, ठीक है। आशीष जी को डाउट? नहीं 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 सर, कोई नहीं। रुपिंदर जी आपको? नहीं जी, नहीं जी कोई नहीं। अब यहां पे आता है कलर स्केल। कलर स्केल में क्या है कि आपको कलर से आइडेंटिफाई होता है कि रेड टू ग्रीन, इस तरह से रेड टू ग्रीन। हाँ जी ठीक है। तो भी आइकन इसका बहुत कम यूज होता है। आइकन्स, आइकन का इस्तेमाल देखिए, लोअर मिडल अपर इस तरह से कर सकते हैं। तो सर ये एरो खुद अपने आप ही डिटरमाइन हो रहे हैं ना? हाँ हाँ, जैसे कि मान लीजिए हमारे पास, बता दो आपको कि क्वार्टर वन का सेल है, क्वार्टर टू का सेल है। अब क्वार्टर वन में 50 है, क्वार्टर टू में 60 है, इसमें ज्यादा है, इसके लिए आपको ग्रोथ निकालना पड़ेगा ना, तो उसके निकालने के बजाय आप इसको इस्तेमाल कर, जो लोअर होगा लोअर का शाइन आएगा, अपर होगा अपर का शाइन आएगा। वेरी गुड। इन फ्यूचर में चेंज होता है तो ये स्वीप हो जाएगा। बहुत बढ़िया सर, ठीक है। ये आपका आइकन शेप था, इसी तरह से सारे आइकन्स इसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं, समझ गए। अब क्वेश्चन यहां में आता है कि क्या इतना ही कलर कंडीशन फॉर्मेटिंग है? जी नहीं, आपने शायद गौर नहीं किया होगा कि इसमें कुछ कंडीशन मिसिंग है, जैसे ग्रेटर देन इक्वल टू, नॉट बिटवीन, नॉट इक्वल टू,
टेक्स्ट दैट कंटेन है तो ये आपको बिगिन विथ एंड विथ ऐसी चीजें नहीं है। तो ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग जो बाहर आपको दिख रहा है वो चीजें है जो कि हम मोस्टली यूज करते हैं। इसमें और भी बहुत सारे कंडीशंस हैं जो कि हम यूज मोस्टली यूज नहीं होता है, जो कि मोर रूल्स में या फिर न्यू रूल्स में है। तो न्यू रूल्स में आते हैं फॉर्मेट सेल, यहाँ पे देखिए आपके पास बाकी सारे कंडीशंस है, बिटवीन, नॉट बिटवीन, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, अपनी कंडीशंस को लगे सेट करें, कंडीशंस डालें और फॉर्मेटिंग में अपना फॉर्मेट सेट करें। ठीक है, तो इसी तरह से यहाँ पे सेल वैल्यू पे है, इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक टेक्स्ट पे जैसे कंटेनिंग था, यहाँ पे नॉट कंटेनिंग, बिगेन विथ, एंड विथ, नॉट कंटेनिंग मतलब कि मिलता जुलता से दिल्ली है तो दिल्ली न्यू दिल्ली हाईलाइट हो जाए, नॉट कंटेनिंग दिल्ली होना ही नहीं चाहिए, बिगेन विथ स्टार्टिंग में दिल्ली होना चाहिए, लास्ट में कुछ भी हो, दिल्ली रोड पगड़ा वगैरह कुछ भी हो, एंड विथ बिगेन मतलब स्टार्टिंग में दिल्ली होना चाहिए और एंड विथ दिल्ली लास्ट होना चाहिए, उससे पहले न्यू लगा हो या ओल्ड लगा कुछ भी लगा हो लेकिन लास्ट में दिल्ली होना चाहिए, आपका होता है टेक्स्ट पे। उसी तरह से यहाँ पे डेट ऑकरिंग जो बाहर था वही है, इसमें भी ब्लैंक्स, ब्लैंक को हाईलाइट करेगा, नो ब्लैंक्स, नो ब्लैंक्स हाईलाइट करेगा, एरर्स को जैसे मान लीजिए एरर आ रहा है, अब मान लीजिए कि यहाँ पे चलिए एक और एग्जांपल बनता है कि मेरे पास एक डेटा है जिसमें कुछ एरर्स होते हैं इस तरह से, और कहीं पे एरर्स है तो कहीं पे अपना डेटा है। ये कोई फंक्शन है इक्वल्स टू एन ए ब्रैकेट? हाँ फॉर्मूला है एरर शो करने का, मुझे एरर को नहीं देखना है। तो ऐसे फॉर्मूला तुम्हारे पास इफ एरर वगैरह है जिस चीज को हटाया जा सकता है लेकिन फॉर्मूला नहीं लगा सकते। हम यहाँ पे फॉर्मेट पे जाते हैं और हम एरर्स पे जाके हमने क्या किया कि इसकी बैकग्राउंड व्हाइट है तो हमने फॉन्ट पे जाके इसकी फॉन्ट की जो कलर है उसको व्हाइट कर दिया। हट गई सर? हाँ जी, विजुअल हटा है, ओरिजिनल में है, ठीक है ना, वादे के ऊपर है, ठीक है। तो इस तरह की चीजें हम कर सकते हैं। दूसरी चीज खुद की कंडीशंस के लिए इसमें फॉर्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं लेकिन वो चीजें हम अगली क्लास में करेंगे। उससे पहले आप कंडीशन मॉनिटरिंग की बारीक बाकी चीजें हैं उन चीजों को अच्छी तरीके से आप करना। ये फाइल मैं आप लोगों को भेज देता हूँ प्रैक्टिस के लिए ताकि आप लोग इसकी प्रैक्टिस इस फाइल में प्रैक्टिस कर सके। ठीक है सर, ठीक है, और बाकी चीजों पे भी प्रैक्टिस कर लीजिएगा, टाइम है आपके पास। उसके बाद कोई प्रॉब्लम हो तो छोटी मोटी प्रॉब्लम के लिए आप मुझे एक तंग नहीं करें, मतलब कि व्हाट्सएप कर सकते हैं, बड़ी प्रॉब्लम हो तो लिख दीजिएगा। ठीक है, ठीक है, तो फाइल भेज देता हूँ मैं, तो मिलते हैं अगली क्लास में।